समनापुर भाजपा मंडल अध्यक्ष हेम सिंह राजपूत की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक नस का ट्रांसफर रुकवाने के लिए जिला अध्यक्ष अवधराज बलैया के नाम पर रिश्वत मांग रहे थे। वायरल ऑडियो को मंडल अध्यक्ष ने सिरे से खारिज कर दिया था, फिर भी उनके कार्यकर्ताओं को उन पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर उनको हटाने के पोस्टर लगाए। समनापुर भाजपा मंडल अध्यक्ष हेम सिंह राजपूत का ऑडियो वायरल होने के बाद उनकी बहुत किरकिरी हुई थी। उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा भी था कि ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली। अब एक बार फिर समनापुर के सार्वजनिक स्थानों पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष हेम सिंह राजपूत को हटाने की मांग को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि हेम सिंह राजपूत हटाओ, समनापुर मंडल बचाओ। वहीं इस पोस्टर को लेकर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा, वायरल ऑडियो के बाद कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश था, शायद उन्होंने ही पोस्टर लगवाए हैं। क्या है, जिनके पोस्टर लगे हैं वो समनापुर भाजपा मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं, और पूर्व में अभी इनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश था। हो सकता है उसी के चलते जो लोग इनसे नाखुश हैं या नाराज हैं, उनके द्वारा ये पोस्टर उस्टर लगाया गया है। इसकी जानकारी तो अपने को नहीं है कि किसने लगाया है, मगर जहाँ तक मेरा मानना है कि ये पोस्टर रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।